उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए आज दोपहर 2 बजे श्रावस्ती जिला मुख्यालय भिनगा पहुंचे। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में देवीपाटन मंडल के मंडलायुक्त श्रावस्ती, बहराइच जिले के DM, SP और दोनों जिलों के सभी विभागों के अधिकारी और सभी विधायक शामिल रहे। CM ने 30 नवंबर तक बहराइच और श्रावस्ती जिले में सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए कड़े निर्देश दिए। CM ने बहराइच की समीक्षा करते हुए बहराइच में स्थित सिंभावली चिलवरिया चीनी मिल के पिछले साल के हुए 27% गन्ना भुगतान को लेकर नाराजगी जताई और गन्ना अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि चीनी मिल मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। हालांकि CM ने श्रावस्ती में मीडिया से दूरी बनाए रखी। CM योगी ने दोनों जिले के अधिकारियों की लगभग 3 घंटे की क्लास ली और शाम 5 बजे बलरामपुर जिले के लिए रवाना हो गए। भिनगा के विधायक असलम रायनी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा की। आइए आपको दिखाते हैं कि विधायक असलम रायनी ने क्या कहा। जो एक्सटर्नल डिस्ट्रिक्ट हमारा जनपद श्रावस्ती और आपका ये बहराइच है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर ऐसे जिलों को आप बहुत ही संवेदनशील के तरीके से नहीं बल्कि भाईचारे के हिसाब से लोगों को मीटिंग करिए, बैठाइए, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है। 3 जिले जो हमारे मंडल के 3 जनपद आते हैं वो उसमें बहराइच है, श्रावस्ती है और बलरामपुर है, इसको विशेष रूप से आप देखें। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।